दिलों का शहर लाहौर, गूंजती हवाएं नारे तकदीर की सुनाए और पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक सुना। कहनी नार और सदा में पाकिस्तान का परचम इज्जत एहतराम के साथ उतारे लगे कि एकदम एकदम खुदा के दुश्मन ने खुदा का नाम लेके खुदा के बंदों को धमाके से उड़ा दिया। अली वकार हर इंसान में अजा बिखरे नजर आए। वहाँ मौजूद लोगों के लोग इज्जत को हुसैनियत का पैगाम सुना रहा है। वहाँ मौजूद लोगों के लोग दुश्मन को ललकार रहा है कि 2 नवंबर का सूरज खुदा को सवार बनाए हुए मौजूद। लेकिन जनाब वाला अगले ठीक 24 घंटे बाद दुनिया ये मंजर भी देखती है कि जिस जगह की रूह खून से रजी बसी थी ना, उसी जगह पे वही शायरी दोबारा जमा के पाकिस्तान जिंदाबाद जीवे जीवे पाकिस्तान के नारे लगाते हुए ये नवीद देते दिखाई देते हैं। दिल देकर निखारेंगे रुखे बड़गुलाब, हमने गुलशन के तहफ्फुज़ की कसम खाई है। जी हाँ जनाबे वाला, हमने गुलशन के तहफ्फुज़ की कसम खाई है कि मैं जेम खाना क्लब में शाम की चाय पीने वालों के ख्वाबों को जमीन पहुँच करता हूँ। हाँ, हमने गुलशन के तहफ्फुज़ की कसम खाई है कि मैं राशिद मेनाज बनकर दुश्मन के प्यारों का रुख मोड़ देता हूँ। हाँ, मैंने गुलशन के तहफ्फुज़ की कसम खाई है कि मैं मोताहिरा काजी बन के दुश्मन को ललकारती हूँ। अरे गोली इन बच्चों पर क्या चलाते हो, अगर गोली चलानी है तो मुझ पर चलाओ। हमने गुलशन के तहफ्फुज़ की कसम खाई है कि जब मेरी जुबान काट दी जाती है, मेरे नाखून छील लिए जाते हैं और मुझे पाकिस्तान मुर्दाबाद कहने पे मजबूर किया जाता है, तब मैं अपनी कटी जुबान के बहते लफ्ज दीवार जिंजार पर लिखती हूँ पाकिस्तान जिंदाबाद। जुनूने गर्दिश के रुख को मोड़ देते हैं, हम वो हैं जिज्म के पंजों को तोड़ देते हैं। न देखना मेरे इस वतन को मैली नगाह से, वरना जमाना गवाह है हम ऐसी आँखें अक्सर खोल लेते हैं। शुक्रिया।